₹150 जो यहाँ पे डिफाइंड किया गया है, जो MSP जोड़ा गया है ऑनरी लेफ्टिनेंट और ऑनरी कैप्टन के रैंक में, ये नमस्कार साथियों, हमारे चैनल सोल्जर्स फैन रियल हीरो में आपका स्वागत है। जय हिंद दोस्तों। इक्वल MSP को लेकर तरह तरह के टेबल अभी सोशल मीडिया पर जारी हो गए हैं और किस प्रकार से ये सच्चाई दिखाते हैं और किस प्रकार से ये, आइए चलते हैं इसके बारे में देखते हैं क्या ये सच्चाई दिखा रहे हैं जिसमें ये टेबल दिखाया जा रहा है। और इस प्रकार से इसमें नीचे मेजर जनरल साहब के साइन भी है और इस प्रकार से ये MSP कैलकुलेशन और किस प्रकार से बेसिक पे में आपका MSP ₹5,150 जोड़ी जा रही है। आइए इसको विधिवत टेबल के ऊपर समझते हैं और क्या ये टेबल में सही दिया है, क्या ये टेबल की सच्चाई है, क्या इसमें गलतियां कहाँ हैं, मैं आपको दिखाता हूं और आप किस प्रकार फर्क हैं और जानें इसके बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों आ गए हैं दूसरे टेबल पे, सेम वही कैलकुलेशन लिया गया है, सेम वही चीज लिया गया है, इसमें ये टेबल बनाया गया है और क्या वाकई सही है या इतना हो सकता है या नहीं हो सकता क्या है, आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जैसा कि उसमें देखते हैं कि इक्वल MSP टेबल एज पर ORP उसमें दिया है जस्टी, और वहीं पे रैंक सर्विस पेंशन MSP बेसिक प्लस MSP DA 46% लिया गया है और टोटल पेंशन कितनी हो जा रही है इस प्रकार उसमें कॉलम दिए गए हैं। लेकिन वहीं पे MSP भी कैलकुलेट करके भी आपको बताया गया है कि 15,500 अगर MSP हो जाती है तो उसका आधा कर देने पे आपको पेंशन में ₹7,750 जुड़ेगी। MSP 5200 मिल रही है उसका आधा कर देने पे ₹2,600 आपके पेंशन में जुड़ा हुआ है, तो बचा हुआ अमाउंट ₹5,150 आपको अगर MSP 15,500 हो जाती है तो आपको मिलेगा। तीसरी कैलकुलेशन को लेकर इसमें जोड़ा गया है, यहीं पे देखते हैं सिपाही 17 साल सर्विस ₹18,807 बेसिक पे ORP 2 टेबल के अनुसार, ₹5,150 MSP जो 15,500 हो जाती है तो आपका MSP जुड़ जाएगा बेसिक पे, तो आपकी न्यू बेसिक पे हो जाएगी ₹23,957। वहीं पे DA 46% के हिसाब से जोड़ा गया है तो ये DA आपको मिल जाएगा ₹11,021। इस प्रकार आपको पेंशन इसे मिलती ₹34,968। वहीं पे नायक रैंक का लिया गया है 17 साल सर्विस बेसिक पे ₹20,107। वहीं पे MSP 5,150 जोड़ने के बाद ₹25,257 हो जाती है, उसके ऊपर DA 46% और टोटल पेंशन ₹36,876 हो जाती है। वहीं पे हवलदार रैंक लिया गया है 19 साल सर्विस ₹21,782 बेसिक पे ₹5,150 MSP जोड़ने के बाद आपकी न्यू बेसिक पेंशन ₹26,932 हो जाती है। इस प्रकार DA आपका 12,389 हो जाता है। वहीं पे आपका टोटल पेंशन ₹39,321 हो जाती है। वहीं पे नायब सौदा रैंक लिया गया है 24 साल सर्विस का ₹23,750 ₹5,150 MSP जुड़ जाती है। इस प्रकार टोटल बेसिक पे ₹28,900 हो जाता है, उसके बाद 46% ये ₹13,294, उसके बाद टोटल पेंशन ₹42,194 हो जाती है। वहीं पे नायब सौदा रैंक का 26 साल सर्विस बेसिक पे ORP 2 टेबल के अनुसार 24,825, वहीं पे ₹5,150 MSP जुड़ जाती है, उसके बाद न्यू बेसिक पे हो जाएगी आपकी ₹29,975। वहीं पे DA 46% जुड़ने के बाद आपका टोटल पेंशन ₹43,764 हो जाता है। वहीं पे सूबेदार रैंक का 30 साल सर्विस, उसके बाद पेंशन 31,000, उसके बाद MSP जुड़ जाएगी 5,150, उसके बाद न्यू बेसिक पे बनने के बाद DA जुड़ने के बाद आपकी टोटल पेंशन बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा उसमें ₹52,779। वहीं पे सूबेदार मेजर का 30 ईयर सर्विस लिया गया है ₹150, वहीं पे न्यू बेसिक पे ₹36,775 बन जाती है, उसके बाद 46% DA जुड़ने के बाद ₹53,692 हो जाती है। ऑनरी लेफ्टिनेंट रैंक का 32 ईयर सर्विस लिया गया है बेसिक पे ₹41,200,
वहीं पे 5,150 रुपए एमएसपी जुड़ने के बाद न्यू बेसिक पे 46,350 रुपए हो जाती है। वहीं पे डीए 21,321 रुपए हो जाता है, टोटल मिलाकर 67,671 रुपीज हो जाती है। वहीं पे ऑनरी कैप्टन 32 ईयर सर्विस 43,675 रुपीज बेसिक पे है, उसमें 5,150 रुपीज एमएसपी मिलने के बाद आपका बेसिक और एमएसपी दोनों प्लस होकर 48,850 रुपीज हो जाती है। वहीं पे 46% डीए मिलने के बाद आपका टोटल पेंशन 71,285 रुपीज हो जाती है। वहीं पे दोस्तों एक चीज आपको गौर करने वाली बात मैं बता देता हूं कि गौर क्या मिस्टेक है और कहां पे क्या है। तो यहां पे जितने ये हाईलाइट मैंने किया है ये आपको बता दूं कि जो यहां पे जो हाईलाइटेड है इनके अंदर एमएसपी नहीं जुड़ने वाली, क्योंकि ये ऑफिसर रैंक में मिल जाते हैं। ऑनरी लेफ्टिनेंट और ऑनरी कैप्टन ऑफिसर रैंक में आ जाते हैं और इनको ऑलरेडी 15,500 रुपए एमएसपी जुड़कर मिलती है। इनको पहले से ही 15,500 एमएसपी के हिसाब से इनको मिलते हैं और एमएसपी जुड़कर मिलती है और उसी के हिसाब से इनका बेसिक पे डिसाइड हो जाता है। तो जो 41,200 रुपए है और 43,675 रुपए है इनके अंदर ऑलरेडी 15,500 एमएसपी इंक्लूडेड है, इसलिए इनके पे में अगर एमएसपी बढ़ती है, अगर इस प्रकार कैलकुलेशन होता है तो इनके पे में कोई डिफरेंट नहीं होगा और ये जो पुराना पेंशन पा रहे हैं, जो इस समय पेंशन पा रहे हैं वो वही पाते रहेंगे क्योंकि इनको 15,500 रुपए मिल रहे हैं। इस प्रकार दोस्तों ये छोटा सा मिस्टेक जो टेबल बनाया है, जो टेबल जो व्हाट्सएप पे वायरल हो रहा है, ये टेबल जो वायरल हो रहा है व्हाट्सएप के ऊपर, जो यहाँ पे 5,150 रुपये जो यहाँ पे डिफाइंड किया गया है, जो एमएसपी जोड़ा गया है ओनली लेफ्टिनेंट और ओनली कैप्टन के रैंक में, ये ऑलरेडी अफसर ये 15,500 रुपये ऑलरेडी ले रहे हैं, इनके बेसिक पे में जुड़ा हुआ है क्योंकि अफसर रैंक में है, ये 10B के पे लेवल में आते हैं और वहां से इनको 15,500 रुपए भी एमएसपी इनको मिलती है। इस प्रकार इनकी बेसिक पे डिसाइड होती है। तो इस प्रकार ये पा रहे हैं और टेबल बनाने वाले ने सटीक बनाया, लेकिन यहाँ पे ये गलतियाँ मुझे नजर आ रही है। बाकी आप लोग खुद समझ सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, पता कर सकते हैं क्या सही है क्या गलत है। ये जो हमें जानकारी जो इसके अंदर निकल के आई, जो मैं आपको बता दिया, आप तक शेयर किया, अगर आपको अच्छा लगे तो आप दोस्तों तक शेयर करें, इसे ही बताएं कि किस प्रकार इसमें फैक्ट है और क्या इसमें हो सकता है। वैसे तो एमएसपी का केस हमारा अभी दिल्ली हाई कोर्ट में पेंडिंग है, उसको कब समय लगेगा, साल भर लगे या 2 साल लगे, या उसके बाद सरकार इम्प्लीमेंट करेगी, कब तक कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, अब तो आने वाला समय ही बताएगा। ओके दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।